ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਹੋਵੇ ਮੇਰਾ। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, इस तरह की स्टेटस वीडियो बना लेने के लिए आपको एवी प्लेयर के प्रो ऐप की जरूरत पड़ेगी, एक टेम्पलेट की जरूरत पड़ेगी और इसके अलावा आपको कुछ मटेरियल्स की भी जरूरत पड़ने वाली है। तो सभी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाने वाले। तो सबसे पहले तो गाइस, आपको उन सभी को डाउनलोड कर लेना है और इसके बाद आपको अपने फाइल मैनेजर को ओपन करके इस टेम्पलेट को सिलेक्ट कर लेना है। और जैसे आप इसे सिलेक्ट करते हैं, आपके सामने कुछ इस टाइप से ओपन हो जाता है। तो सबसे पहले तो गाइस, आपको यहाँ से अपनी कोई भी म्यूज़िक को सिलेक्ट कर लेना है जिसे आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस में लगाना चाहते हैं। और म्यूज़िक को सिलेक्ट कर लेने के बाद आपको इसे लेफ्ट स्वाइप कर देना है। अब इसके बाद आपके यहाँ पर एक पेंसिल का आइकन मिल जाता है, तो आपके यहाँ क्लिक कर देना है। अब साइड में आपको एक इमेज का ऑप्शन मिलता है, तो आपके यहाँ चले जाना है। अब आपको फिर से एक इमेज का ऑप्शन मिलता है, तो आपके यहाँ क्लिक कर देना है। अब गाइस, आपको नीचे कस्टम इमेज का ऑप्शन मिलता है, तो आपके यहाँ क्लिक कर देना है। अब आपको उसके पिक इमेज का ऑप्शन क्लिक कर देना है और इसके बाद आपको यहाँ से अपनी कोई भी एक इमेज को सिलेक्ट कर लेना है जिसे आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस में लगाना चाहते हैं। और इमेज को सिलेक्ट कर लेने के बाद आपको यहाँ से बैक आ जाना होगा। अब इसके बाद आपको इसके नीचे वाले इमेज का ऑप्शन में क्लिक कर देना है। अब आपको फिर से इसके इमेज का ऑप्शन में जाना है और इसके बाद आपको फिर से इसके कस्टम इमेज के ऑप्शन में क्लिक कर देना है। अब गाइस, आपको इसके पिक इमेज का ऑप्शन में क्लिक कर देना है। अब इसके बाद आपको फिर से सेम इमेज को सिलेक्ट कर लेना है जिसे आपने पहले सिलेक्ट किया हुआ था। अब इसके बाद गाइस, आपको यहाँ से बैक आ जाना होगा। अब इसके बाद आपको नीचे एक ब्लर का ऑप्शन मिलता है, तो आपके यहाँ क्लिक कर देना है। अब गाइस, आपको यहाँ से इस बॉक्स को डिसेबल कर देना है। अब इसके बाद आपको फिर से यहाँ से बैक आ जाना होगा। अब इसके बाद गाइस, आपको इसके नीचे वाले इमेज के ऑप्शन में क्लिक कर देना है। अब आपको इसके जनरल के ऑप्शन में क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पर एक पोजिशन का ऑप्शन मिल जाता है, तो आपके यहाँ चले जाना है। और इसके बाद आपको यहाँ पर से इस स्केल को 500 पर सेट कर देना होगा। तो इस तरह से गाइस, आपकी वीडियो तैयार हो जाती है। अब चलिए गाइस, मैं आपको बता देता हूँ कि आपको इसे परफेक्ट साइज में कैसे सेव कर लेना है। तो आपको इसे सेव वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना है और इसके बाद आपके यहाँ पर वीडियो विथ का एक ऑप्शन मिलता है, तो आपके यहाँ पर 1080 डाल देना है। अब इसके बाद आपको इसके वीडियो हाइट के ऑप्शन में सेम 1080 डाल देना होगा।